हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सभी ने सर्च किया है शिवा कुमार ऑफिशियल चैनल। और आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है, तो प्लीज वॉच टिल दी एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा वीडियो को। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि यार मैंने बहुत घंटे तक पढ़ाई करी, जैसे मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी और फिर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या ही पढ़ा है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा यार, मतलब इतने घंटे तक मैंने अपना टाइम पास करा, ऐसा होता है ना कभी कभी अंदर से फीलिंग, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मेरे साथ तो काफ़ी होता है ऐसा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आते हो, तो आपके साथ में होता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो इस चीज़ को ना हटाने के लिए ना एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो आप अपना सकते हो, जो मैं बताऊंगा अभी। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार उम्मीद है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ आपकी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ तैयारी करो। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो इस राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर, तो भी मुझे कॉमेंट्स करके बता देना, मैं आपको सजेशन बता दूँगा वीडियो के अंदर। वहीं पर जो मेरा मेथड है, अगर आप भी पढ़ाते थे पढ़ाई करो तो फिर आपको लगता है कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके लिए पता है क्या करो, हम सबके पास मोबाइल होता है, जनरली हम सभी के पास होता है, तो उसमें ना एक ऑप्शन आता है टाइमर का, ऐसा वाला कुछ करके, मेरा ओप्पो F9 प्रो का है तो उसके अंदर ऐसा है। आप देखो कि ये देखो टाइम का दिख रहा है, ये वॉच वाला दिख रहा है, इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर है ना ऐसे अलार्म आता है, अलार्म आता है, फिर क्लॉक आता है, स्टॉप वॉच, टाइमर, तीनों चीज़ें आती है। तो आप इसमें ना ऐसे टाइमर लगा के फिर पढ़ाई करो, जैसे मैं 45 मिनट्स का टाइमर लगाता हूँ इस तरीके से, और फिर उसके बाद में पढ़ाई करता हूँ, इंग्लिश का हुआ, रीजनिंग का हुआ, ऐसे मैं पढ़ाई करता हूँ, तो उसके अंदर ये टाइमर लगा के फिर पढ़ता हूँ। तो पता है उससे मुझे क्या लगता है कि हाँ मैंने आज 45 मिनट्स से कुछ पढ़ाई करी है, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेके फिर दूसरा पढ़ने बैठता हूँ, तो उससे ना मुझे लगता है कि हाँ मैंने इतने इतने घंटे तक ये पढ़ाई करी। टाइमर सिर्फ एक वो नहीं होता, एक समय निश्चित हो जाता है, तो फिर उसके बाद ना आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है ये सोचने में कि अच्छा मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी। आप नॉर्मल वॉच से पढ़ते हो तो उससे आपको टेंशन क्रिएट होता है, अगर आप टाइमर लगा के पढ़ोगे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक बार ट्राई करके देखो, अगर यकीन नहीं होता तो बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं पर दोस्तों यही थी मेरी एडवाइस आप सभी के लिए, अगर आप पढ़ते हो काफ़ी देर तक फिर भी आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो ये वाला मैथड अपना के देखो, पक्का बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं बना सकते, भी अच्छा नहीं लगता, फिर लोग देखते नहीं है वीडियो को और मज़ा भी नहीं आता लोगों को देखने में। और पढ़ाई करते रहो, अपनी लाइफ को इंजॉय करते रहो और मेरे ब्लॉग देखते रहो अगर बोर हो रहे हो तो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।